हेलो एंड वेलकम गाइस टू द एसएमएस एनिमेशन चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंसेट फेसेस टूल इन ब्लेंडर। उस टूल को सबसे पहले हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे और उसके बाद हम उसी टूल और आगे के ट्यूटोरियल्स में जो हमने टूल सीखे विच इज एक्सट्रूड लूप कट उसको यूज करते हुए और जो और भी फीचर्स हमने सीखे हैं आगे के ट्यूटोरियल्स में उसको यूज करते हुए हम आज क्रिएट करने वाले हैं लो पॉली कार मॉडल इन टू द ब्लेंडर और साथ में उसका एक सीन क्रिएट करेंगे द कार रनिंग ऑन टू द ब्रिज। इट्स अ सीन और इमेज नॉट एनिमेशन बट या वी आर गोइंग टू क्रिएट दैट सीन ओवर इन टू द ब्लेंडर। सो लेट्स बिगिन इन टू द ब्लेंडर गाइज। सो हियर नाउ वी आर इन टू द ब्लेंडर। सो सबसे पहले गाइज आपको ये चीज बतानी कि इंसेट टूल के बेनिफिट क्या है। उसको जो हम यूज करते थे अभी तक मतलब इंसेट के सिवा या इंसेट का ऑप्शन जो हमने ढूंढ के निकाला था दैट इज अवर एक्सट्रूड टूल। सो लेट्स सी हम एक्सट्रूड टूल से अब तक क्या करते थे। सपोज आई हैव दिस ऑब्जेक्ट में ए करके चला जाता हूं मतलब सबको सिलेक्ट कर लिया और अभी हम आ चुके हैं एडिट मोड के अंदर। नाउ इफ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस फेस मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूं और अब अगर इसके अंदर मुझे कुछ यू कैन से दैट कि हमको डोर क्रिएट करना था हम विंडो क्रिएट करना चाहते थे या इसके अंदर हमें एक बॉक्स जैसा यहाँ पे होल्ड करना है तो व्हाट वी हैव डन विद द एक्सट्रूड टूल हम ई करके एक्सट्रूड करके छोड़ देते थे देन एस करके स्केल करते थे। अब क्या होता था यहाँ पे इश्यू हमारे साथ द इश्यू इज दैट कि भाई हमें दोनों तरफ चारों तरफ सेम जैसे विड्थ नहीं मिलती थी। हम एक्सट्रूड करके इसको ऐसा खड्डा बना देते थे यहाँ पे। सो नाउ यू कैन सी दैट इट इज लाइक दैट बट हमको क्या चाहिए था चारों तरफ विड्थ चाहिए थी तो उसके लिए हम क्या करते थे भाई एस एंड वाई एक्सिस करके वापस से यहाँ पे अब चारों तरफ की विड्थ को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं देन वी आर गोइंग टू एक्सट्रूड इट। ठीक है तो ये चीज हम करते थे। उसके अलावा जैसे मैंने हर बार आपको बताया है कि हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को स्केल करते हैं इन ऑब्जेक्ट मोड मैश को स्केल करते हैं इन ऑब्जेक्ट मोड तो हम उसको कंट्रोल ए करके उसका यूनिफॉर्म स्केल अप्लाई करते थे। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट का देखने जाए अगर तो हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म स्केल अप्लाई नहीं किया बट आई हैव अप्लाई यूनिफॉर्म स्केल ऑन द सेम ऑब्जेक्ट दूसरा जो ऑब्जेक्ट इसका डुप्लीकेट कॉपी करके मैंने उसको यूनिफॉर्म स्केल अप्लाई किया है। बट यहाँ पे भी अगर इसको भी सिलेक्ट करके हम चले जाते हैं यहाँ पे एडिट मोड के अंदर इसका फेस सिलेक्ट करता हूं अगेन ई एक्सट्रूड करके मैं इसको छोड़ देता हूं गाइस यहाँ पे। ठीक है तो अब क्या होता है यहाँ पे कि मैं वापस से इसको स्केल करूंगा तो सेम इश्यू वी हैव बराबर विड्थ हमें सिमिलर नहीं मिलती है बट नाउ इन द केस ऑफ इंसेट वी कैन गेट दैट सॉल्यूशन। तो सपोज मैं यहाँ पे अंडू मार देता हूं सबसे पहले। अब क्या करते हैं हम वापस यहीं पे आ चुके हैं इसके अंदर। अब हम यूज करने जा रहे हैं इंसेट टूल। तो इंसेट टूल ये आपका इंसेट टूल है आप यहां से इसको क्लिक करके देन यू कैन पुश डाउन दैट येलो डॉट आप उसको पुश डाउन करोगे देखो यहाँ पे इंसेट हो रहा है बट द सेम इश्यू वी हैव विच इज वी गॉट इन टू द एक्सट्रूड टूल जो हमें एक्सट्रूड टूल में भी मिला था सेम इश्यू। अब इसको सॉल्यूशन यहाँ पे होगा हमारे पास और इंसेट टूल का कीबोर्ड शॉर्टकट है दैट इज आई। ठीक है ना तो अभी मैं वापस यहाँ सिलेक्शन मोड सिलेक्ट कर लेता हूं। अब इस वाले फेस को हम सिलेक्ट करते हैं इस वाली मैश के फेस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ था इसका जो हमारा यूनिफॉर्म स्केल था हमने 1:1 किया हुआ है गाइस। सो लेट्स जंप इनटू द एडिट मोड अगेन। अब मैं क्या कर रहा हूं अगर इसको इंसेट आई दबा के खाली आपको इंसेट करना है तो नाउ यू कैन सी दैट कि हमें चारों तरफ सेम विड्थ मिल रहा है गाइस। यू कैन सी दैट इन बेटर वे कि हमें चारों तरफ क्या हो रहा है सेम विड्थ मिल रहा है। ठीक है ना सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ इंसेट टूल अगर आपने यूनिफॉर्म स्केल अप्लाई किया हुआ है तो एक्सट्रीमली सॉरी। ओके सो दिस इज द मेन थिंग जो आपको समझना है कि यूनिफॉर्म स्केल कंपलसरी में आगे के हर एक ट्यूटोरियल में कहता आया हूं जब भी आप किसी मैश को ऑब्जेक्ट मोड में स्केल कर रहे हो चाहे उसको बड़ा कर रहे हो चाहे उसको छोटा कर रहे हो उसके ऊपर यूनिफॉर्म स्केल ऑलवेज अप्लाई करने की आदत डालो। अगर आप उसको ऑब्जेक्ट मोड में मैं दूसरी बार बोल रहा हूं ऑब्जेक्ट मोड में अगर उसके स्केल के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो तो उसको यूनिफॉर्म स्केल अप्लाई जरूर करो कंट्रोल ए करके स्केल को सिलेक्ट करके यूनिफॉर्म स्केल अप्लाई जरूर कर देना गाइस ताकि आगे जाके टेक्सचरिंग में भी आपको इश्यू ना हो प्लस ऐसे कुछ टूल्स के अंदर भी आपको इश्यूज ना आए गाइस तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो दैट इज आवर इंसेट फर्स्ट थिंग ये आपका इंसेट का पहला तरीका हुआ। दूसरा उसके बाद जो हमें इंसेट के दूसरे ऑप्शंस देखने हैं लेट्स सी ओवर हियर। अब क्या करते हैं गाइस कि भाई ये तो हो गया कि हमें इंसेट समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। अब इंसेट से दूसरा एक ऑप्शन आता है कि जब भी मैं इंसेट करता हूं मैं यहाँ पे अंडू करता हूं इफ आई प्रेस आई मैंने यहाँ पे इंसेट कर दिया है उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डेप्थ का। इफ यू कैन सी दैट लेट मी मेक इट अ ज़ूम सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इन बेटर वे बराबर है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं आप क्या कर सकते हो यहाँ पे
पीरियड की ऑन या नंपेड दबाओगे तो ये क्या हो जाता है, हमने पहले ट्यूटोरियल में भी देखा था, ये फोकस में आ जाएगा आपके। जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, सपोज इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ पीरियड की दबाए तो ये फोकस में आएगा, वापस इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और नंपेड के ऊपर पीरियड की दबाओगे तो ये फोकस में आ जाएगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट या मैश या फेस सिलेक्ट में रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, फोकस में आ जाता है। ओके, सो नाउ जो हमें देखना था मेन चीज यहाँ पे था, मैं वापस अंडू करके एक बार क्या करेंगे, हम आई सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, इनसेट सिलेक्ट करते हैं और इसको इनसेट मैंने कर दिया यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑप्शन इट इज अबाउट द डेप्थ, तो जैसे आप इसको इंक्रीज करते हैं यू कैन सी दैट ये ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा, सो इट विल हेल्प यू टू क्रिएट सम काइंड ऑफ मूवमेंट, मतलब आपको एक डेप्थ जनरेट करने में वो हेल्प करता है, सो दैट इज द ऑप्शन ओवर हियर। अब इसका कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, अगर मैं अंडू कर देता हूं, अगेन प्रेस द आई, अब क्या करोगे उसके साथ आप, जैसे ही आपने आई दबा के सी एक बार, जैसे आपने कीबोर्ड शॉर्टकट आई दबाया, फिर सिर्फ आपको माउस को अप या डाउन करना है इनसेट की वैल्यू को कम या ज्यादा करने के लिए, कोई भी माउस बटन नहीं दबाना है आपको। यहाँ पे मेरे कीबोर्ड शॉर्टकट दिख रहे हैं, मैंने कोई भी माउस बटन नहीं दबाया, यू कैन सी दैट फिर भी इनसेट की वैल्यू यहाँ पे आप प्लस और माइनस आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है आपको कि मुझे क्या करना है, डेप्थ जनरेट करनी, देन यू हैव टू प्रेस द कंट्रोल, माउस बटन कोई नहीं दबाना है, बस खाली कंट्रोल दबाना, इनसेट को अप्लाई भी नहीं करना है। अगर एक बार इनसेट अप्लाई कर दिया तो आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, आपको वापस वही जो ऑप्शन आएगा वहीं से चेंजेस करने पड़ेंगे। सो कंट्रोल दबा के जैसे ही आप इसको ऊपर या नीचे करते हो, यू कैन सी दैट यू विल गेट द डेप्थ ओवर हियर, ठीक है। बट अगर एक बार मैंने यहां पे इसको छोड़ दिया तो अब क्या कर सकते हो, एक बार कंट्रोल छोड़ दिया तो आप क्या कर सकते हो, वापस आप इनसेट की वैल्यू के अंदर प्लस या माइनस कर सकते हो। यहां पे लाने के बाद वापस मैंने कंट्रोल दबाया तो यू कैन सी दैट अगेन व्हाट यू कैन डू, डेप्थ के अंदर कंट्रोल कर सकते हो। तो ये दोनों चीजें वाइस वर्सा, जब तक आप इनसेट अप्लाई नहीं करोगे लेफ्ट माउस बटन दबा के, तब तक ये चीज आप चेंजेस कर सकते हो, कंट्रोल दबा के डेप्थ चेंज करो, कंट्रोल छोड़ने के बाद माउस को खाली मूव करके आप इनसेट की वैल्यूज चेंज करो। जैसे एक बार आपने अप्लाई कर दिया, इट विल बी डन। नाउ अब आपको करना है डेप्थ की वैल्यू चेंज, देन यू हैव टू डू इट फ्रॉम ओवर हियर, आप शॉर्टकट से नहीं कर पाओगे। सो दैट इज अबाउट अवर डेप्थ। अब उसके बाद हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन के अंदर गाइस, सो दैट ऑप्शन इज अबाउट, जो हमारा ऑप्शन है इट इज अबाउट द इंडिविजुअल ओरिजिन एंड कंबाइन। तो अब सपोज मैं यहां पे दिखा रहा हूं, यहां पे आपको ऑप्शन दिखेगा कि मैं कंट्रोल शिफ्ट करके इनको सिलेक्ट कर रहा हूं। अब अगर मैं आई करके इंसेट कर रहा हूं तो यू कैन सी दैट कि चारों के चारों इंसेट हो रहे कहां, उसके मीडियन पॉइंट की तरफ। पर मुझे ऐसा करना है कि चारों के चारों, अब मैं इसको एक्सट्रूड भी करूंगा तो चारों एक साथ एक्सट्रूड होते हैं, स्केल करूंगा, अब अगर मैं इनको स्केल करता हूं तो देखिए कैसे चारों के चारों एक साथ स्केल हो रहे हैं। बट आई वॉन्ट इट इन टू द इंडिविजुअल, चारों फेसिस को क्या करना है, इंडिविजुअली मुझे इंसेट करना है, ठीक है ना। तो वॉट वी can do for that, कि मैं यहां पे इन चारों को सिलेक्ट कर रहा हूं कंट्रोल एंड शिफ्ट करके। अब सपोज आप इसको इंसर्ट कर रहे हो तो आप एक बार इंसर्ट करो, ठीक है, ये यहां पे कर दिया और अभी मैंने माउस बटन से अप्लाई नहीं किया इंसर्ट, एंड इफ आई प्रेस द आई तो नाउ यू कैन सी दैट ये इंडिविजुअली इंसेट हो रहे हैं, ठीक है ना, इट्स गेटिंग इंडिविजुअल इंसेट, यू कैन सी दैट इंडिविजुअल फेसेस हमारे क्या हो रहे हैं, इंसेट। और वापस आई दबा दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक मीडियम पॉइंट, चारों का जो सेंटर पॉइंट रहेगा उसी तरफ क्या हो रहा है, चारों एक साथ इंसेट हो रहे हैं। सो ये डिफरेंस भी आपको समझना है। दूसरा, ये होने के बाद अगर वापस आपको लग रहा है ना आपको इंडिविजुअल करना है तो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल का ऑप्शन दिया गया है, आप उसको ऑन कर दो। जैसे ही ऑन करोगे यू कैन सी दैट अब चारों के चारों फेसेस क्या हो गए हैं, इंडिविजुअली इंसेट हुए हैं। अब मैं चाहूं तो इनको एक्सट्रूड कर सकता हूं, ठीक है ना, एंड देन अगेन आई वांट टू मेक अ स्केल, तो अभी एक किस तरफ हो रहे हैं, सेंटर की तरफ हो रहे हैं, क्योंकि मीडियन पॉइंट की तरफ। अब इंडिविजुअली उसको स्क्रॉल डाउन करना है तो आपके कीबोर्ड के ऊपर जो ग्रेटर देन वाला बटन और साथ में पीरियड वाला बटन रहता है उसको प्रेस कीजिए और यहाँ पे क्या करोगे, इंडिविजुअल ओरिजिन एंड देन स्केल डाउन। तो आप देख सकते हो कि आप अलग तरीके से चीजों को क्रिएट कर सकते हो। सेम चीज इनसेट टूल के थ्रू ही हम करना चाहे कंट्रोल शिफ्ट, देन व्हाट आई विल डू अगेन, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई दबा रहा हूं, मैंने इंसर्ट करना है इनको, तो ये इंडिविजुअल इंसर्ट हो गए। अब क्या करोगे, वापस वही कंट्रोल वाला बटन हम यूज करेंगे, आई करके इंसर्ट किया देन प्रेस द कंट्रोल, बाहर लेके आ गए आप इसको, एंड देन अगेन यू कैन स्केल इट डाउन, या फिर अगेन व्हाट यू कैन डू, आई करके मैंने इंसर्ट किया देन कंट्रोल प्रेस किया, अब क्या करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो देन लाइक दिस वन, कुछ भी स्केल करने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, स्केल डाउन हो गया, ठीक है। तो ये फॉलो अप कर सकते हो आप इंसर्ट के थ्रू, दैट इज अबाउट द इंडिविजुअल। बट आई डेफिनेटली गिविंग यू श्योरिटी गाइज, इसको यूज करने से एक माइनस पॉइंट ये होगा, अब सपोज मैं किसी भी टूल को इंसेट करने जा रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, किसी भी फेस को अप्लाई करने जा रहा हूं इंसेट, तो ये इंडिविजुअल ही होगा सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये चेकमार्क ऑन हो जाता है और ये बाय डिफॉल्ट रहता है जब तक आप खुद मैन्युअली आके उसको कैंसिल ना करो। तो जहां तक हो सके वहां तक क्या करोगे, कीबोर्ड शॉर्टकट अप्लाई करने की कोशिश करना, विच इज वेरी यूजफुल गाइज, ठीक है ना। तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट भी आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। अब उसके आगे चलते हैं, उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज अबाउट द सिलेक्ट आउटर,
बराबर। तो अगर उसके अंदर अब हम करते हैं तो देखिए क्या होता है, सिलेक्ट आउटर के अंदर कि मैं यहाँ पे एक कुछ फेसेस सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, लेट मी सिलेक्ट द फेसेस ओवर हियर। हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कुछ फेसेस, कंट्रोल शिफ्ट करके ये फेसेस मैंने सिलेक्ट की हैं, मैं आई करके इंसर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। जो हमारे पास ऑप्शन है दिट इज अबाउट द सिलेक्ट आउटर, इसको जैसे ही आप चेकमार्क करते हो तो ये क्या करता है, जो उसने नए फेसेस सिलेक्ट किए इंसर्ट के थ्रू, वहां पे वो सिलेक्शन ऑन करता है और उस सिलेक्शन का आउटर एज और इनर एज। अब मैं वापस अगर इंसर्ट करूंगा तो उस सिलेक्शन जो हमने अभी दिख रहा है आपको, उसका इनर एज मतलब ये अंदर वाला और आउटर एज सराउंडिंग वाला, उसके ऊपर वो इंसर्ट अप्लाई करेगा। यू कैन सी दैट। तो अब क्या होगा, देखिए आपके पास ये नया ऑप्शन क्रिएट हो, अगर मैं अभी इसको एक्सट्रूड कर रहा हूं तो यू कैन क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक दिस वन। सो दैट इज अबाउट योर आउटसाइड क्या हो गया, सिलेक्ट आउटर हो गया। अब तीसरा ऑप्शन है दैट इज अबाउट द आउटर एज, मतलब ये हमारा ऑप्शन करेगा क्या। आप देखिए ध्यान से, मैं अगर सपोज यहाँ पे ये सारे फेसेस सिलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल करके, ठीक है, मैं अभी इसको आई दबा करके इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मैंने जो हमने वापस से वो वाला फेसेस कंट्रोल एंड वापस कंट्रोल करके इसको सिलेक्ट किया, आई करके मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूं, तो इसने अभी सिलेक्ट आउटर सिलेक्टेड रखा हुआ है। जैसे मैंने कहा काम खत्म होने के बाद स्पेशली आके ऑन ऑफ, या फिर आपको ध्यान में रखना होगा ऐसा क्यों होता है, ये ऑन को ऑफ कर देना। बाय डिफॉल्ट ये तीन ऑन रहते हैं, बाउंड्री वाला, चेक मोस्ट, ऑफसेट इवन एंड देन इंटरपोलेट, बराबर। तो ये तीनों चीजें ऑन रहती है, बाकी की सारी चीजें अनचेक रहती है, चीज ध्यान में रखनी है। अब ये जो आउटसेट है वो क्या करता है गाइस, वो मैं आपको दिखाता हूं। मैं जैसे इसको ऑन करता हूं, यू कैन सी दैट व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। तो मैं ये आपको बता देता हूं, एक बार अंडू करते हैं। ये जो हमारा साइज है, नॉर्मली हम इसको इंसर्ट करते हैं गाइस, इफ आई एम गोइंग टू इंसर्ट इट, तो ये क्या होता है, जो हमने फेसेस सिलेक्ट किए थे उसका साइज छोटा करते हैं वो इंसर्ट, मतलब अंदर की तरफ लेके जाता है। बट वेन आई सिलेक्ट टू द आउटसेट, जैसे आप आउटसेट सिलेक्ट करोगे तो मेरा ये जो एक्चुअल फेसेस हमने सिलेक्ट किए तो वो वही रहेंगे, और उसके आउटर साइड के ऊपर, उसके सराउंडिंग एजेस के आउटर साइड के ऊपर वो नए फेसेस क्रिएट करता है। यू कैन सी दैट। तो बाहर की तरफ नए फेसेस सिलेक्ट हुए, और अगर मैं अभी ऑल टी करके उसके इंडिविजुअल एक्सट्रूड करता हूं तो यू हैव सम सपोर्टिंग एज आउटसाइड, बराबर। आपके पास कुछ सपोर्टिंग आउटसाइड एजेस बनती है, तो आप क्रैक्स वगैरह जनरेट करना चाहो, ऐसा कुछ जनरेट करना चाहो, देन यू कैन जनरेट विद सच काइंड ऑफ हेल्प, आप कर सकते हो इसके थ्रू। मतलब उसके लिए सबसे पहले आपको वर्टेक्स इसको सेट करना पड़ेगा, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब मैंने वर्टेक्स ऐसे कैसे एडजस्ट किए थे, दैट यू कैन लर्न इनटू द लास्ट ट्यूटोरियल जो हमारा था वुड कॉटेज, उसके अंदर आपको आइडियाज आएंगे कि आप वर्टेक्स को कैसे सरफेस के ऊपर मूव कर सकते हो। जस्ट एक आइडिया दे दूं, सपोज मैं यहाँ पे हूं, इफ आई सिलेक्ट दैट जी एंड जेड, तो यू कैन सी दैट उसी फेस के ऊपर वो मूव करेगा। मैं जी एंड वाई करूंगा तो ये वाई पे मूव करेगा, बट ये देखो क्या खड्डा करेगा। तो हमें क्या करना है, सरफेस के ऊपर ही रखना है, तो जी एंड एक्स, ठीक है ना, वाई पे ये वाला फेस नहीं जाएगा, बट हाँ आप इसको जी और वाई करके मूव कर सकते हो, जी एंड वाई। दूसरा एक तरीका क्या है कि आपको उसी फेस के ऊपर मूव करना है जो उसके बिलोंगिंग एक्सिस है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, देन प्रेस जी जी, बराबर। तो ये कहीं पे भी अंदर की तरफ नहीं जाएगा, सरफेस के ऊपर ही रहेगा वो, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। वो कहां पे रहेगा, सरफेस के ऊपर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा ना अंदर खड्डा करेगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल चीज है। आप सारे छोटे एज भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे एज पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल करके, देन आई कैन मेक इट जी जी, तो यू कैन सी दैट यू कैन मूव द एजेस लाइक दिस वन। तो ये चीजें आप इसके थ्रू कर सकते हो। नाउ लेट्स जंप ओवर अहेड, हम थोड़ा और आगे चलते हैं। उसके बाद मेरा एक ऑप्शन जो आता है दैट इज अबाउट द बाउंड्री। तो बाउंड्री कैसे काम करता है, लेट मी शो यू। ये ज्यादातर हमें आगे जाके बहुत काम आएगा जब हम मॉडिफायर सीखेंगे, स्पेशली व्हेन वी आर गोइंग टू यूज द मिरर मॉडिफायर। लाइक मेरे पास अभी क्या है, यहाँ पे ये शेप बना हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, थ्री करके सिलेक्ट करता हूँ, ऑल जेड मोड में चले जाते हैं और इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं गाइज हम लोग। पहले वर्टेक्स मोड में चले जाते हैं, इसको सिलेक्ट किया, एक्स करके मैं यहां से क्या कर रहा हूँ, वर्टेक्स को डिलीट करता हूँ, डिलीट वर्टेक्स। ये वाला चीज भी मैंने लास्ट ट्यूटोरियल वुड कॉटेज वाले में पूरा डिटेल में दिखाया, तो आप जाके उसको मस्ट देखिएगा गाइज। मेरा स्टार्ट से अभी तक का जो ब्लेंडर यू कैन डू इट पार्ट के जितने भी चार एपिसोड्स आ चुके, चारों के चारों एपिसोड बहुत ही यूजफुल है, बहुत डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया गया हर एक चीज को, तो आप जाके जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी चीजें डिटेल में समझ आए। अब ये हो गया है, मैं वापस यहां पे आता हूं। नाउ इफ आई एम गोइंग टू मेक अ इंसर्ट ओवर हियर, सपोज आप समझ लो कि मैंने यहां पे एक दूसरा फेस एज अ मिरर क्रिएट करके रखा हुआ और मैं जो चीज यहां पे अप्लाई करूं वो चीज बिल्कुल यहां पे भी अप्लाई होनी चाहिए, तो ये हमारा मिरर मॉडिफायर इन फ्यूचर में काम करेगा। बट अब क्या कर रहा है कि मैं आई करके इंसर्ट कर रहा हूं गाइस यहां पे। अब देखो आई करके इंसर्ट किया था, यहां पे क्या है, बाय डिफॉल्ट आउटसाइड सिलेक्टेड, इसको ऑफ कर दो, ठीक है ना। अब क्या भाई, मुझे ये यहां पे नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू से दैट कि ये वाला चीज जहां पे ओपन फेसिस है बराबर है, उसकी तरफ जाने चाहिए, क्योंकि यहां से हमने उसको कट किया है, ठीक है ना। तो इट विल बिकम ओपन फेसिस फॉर इट। तो अगर मैं यहां पे अभी क्या कर देता हूं,
बी दबाओ, आप बाउंड्री करोगे इसके अंदर ऑफ, तो यू कैन सी दैट कि क्या हो गया, ये यहाँ पे चला गया है एजीज के ऊपर, ठीक है ना। तो अगर इस साइड भी मिरर रहता और मैं इसको एक्सट्रूड करता तो क्या होता कि दोनों के दोनों एक साथ नीचे जाते मिरर मॉडिफाई के अंदर। तो यहाँ पे ये हमारा बाउंड्री वाला ऑप्शन काम करेगा। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है, जितने भी मैंने आपको यूसेज बताया इनसेट के, विच इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल इन फ्यूचर टर्म्स। हम आगे भी जितना एडवांस में मॉडलिंग करते जाएंगे आपको बहुत यूजफुल होगा। सो हर एक चीज को ध्यान में रखना, बहुत बार प्रैक्टिस कर लेना प्रॉपर तरीके से। आपको अभी गाली देने का भी मन कर रहा होगा, जिन्होंने मेरे आगे के तीन ट्यूटोरियल्स देखे होंगे, पार्ट टू हो गया, देन ट्रेजर बॉक्स मॉडलिंग हो गया, एंड उसके बाद हमारा हुआ वुड कॉटेज मॉडलिंग। तो बोले सर आपने एक्सट्रूड टूल यूज कर करके हमें स्केल अप स्केल डाउन करा के दिमाग का लिया, अगर इनसेट इतना जल्दी। सी गाइस, व्हाट इज द मेन पॉइंट बिहाइंड दिस थिंग और बिहाइंड दिस एक्सरसाइजिंग? रीजन ये है कि आपको मॉडलिंग को प्रॉपर तरीके से समझना है। समटाइम्स इट हैपन्स सॉफ्टवेयर हैज अ बग, आपका ये चीज काम नहीं कर रहा था, दूसरा कौन सा चीज से काम कर निकाल लोगे अपना। प्लस हर एक टूल का आपको अपना एक मास्टरी होना चाहिए कि भाई ये नहीं तो ये नहीं तो ये, हम उसको कैसे यूज करके निकाले। जैसे इसके अंदर ऑप्शन मैंने आपको बताया आउटसेट वाला, तो भाई मैं आउटसेट को बहुत रेयरली यूज करता हूं, उसकी जगह पे मैं लूपकट प्रीफर करता हूं उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो ये चीजें आपको समझनी होगी आगे जाके। हाँ, आप चाहो तो आउटसेट भी यूज कर सकते हो, बट मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करूंगा आगे फ्यूचर में आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर हाई पॉली मॉडलिंग के अंदर कि हाँ भाई कैसे मैं आउटसेट की जगह लूपकट को बेटर तरीके से यूज करता हूं। तो ये चीजें आपको बहुत बेटरली समझनी है, पर ये कब समझ में आएगी, जब आप हर एक टूल को बारीकाई से प्रॉपर तरीके से यूज करोगे। सो नाउ ये हमारा इनसेट टूल का प्रॉपर ब्रीफ था गाइस। अब हम जंप करते हैं हमारी कार मॉडलिंग की तरफ, सो लेट्स गो फॉर दैट। और आगे जाने से पहले गाइस, अगर ट्यूटोरियल पसंद आ रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल रही है, तो लाइक जरूर कर लेना, सब्सक्राइब भी करना, बिगिनर्स के साथ शेयर करना है, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है फिर भी अगर उन्हें जरूरत है अपना बेस मेंटेन करने के लिए, उनके साथ भी शेयर करना और कमेंट जरूर करना कि आपको मेरे ट्यूटोरियल्स कैसे लगे गाइस। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट अवर लो पॉली कार मॉडलिंग। तो चलते हैं हमारे साइड व्यू के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जंप इनटू द साइड व्यू, चले आएंगे। अब यहाँ पे शिफ्ट है, क्रिएट करेंगे हमारे क्यूब को, लेट्स क्रिएट अ क्यूब ओवर हियर, देन जी एंड जेड कंट्रोल करके ऊपर ले गया, देन आई विल गोइंग टू स्केल एस वाई। Okay, I'm just pressing the control and scaling it. So it's getting good. Okay, यहाँ पे हो गया control A and मैं uniform scale यहाँ पे apply कर देना है. Then what are you jumping into the edit mode? Control R loop cut यहाँ पे दे दिया. Control R एक loop cut यहाँ पे. Control R one loop cut over here. Done. ये हमारा काम हो गया. Then what I want to again going to jump into the side view. Then control R यहाँ पे दे दिया मैंने एक loop cut मेरे को यहाँ पे. Okay, ठीक है. Then again control R and मैं यहाँ पे almost like over here, gun, again control R, apply, okay, done, again control R, apply, control Z, then control R again, and let me apply over here, almost same चाहिए मुझे, तो यहाँ पे apply करना है, okay, done, ये हो गया है, then दोनों के center में loop से ही control R, done, हो गया है, face selection, यहाँ पे हो गया, Shift, Control Shift, Top View, Alt E, Extrude Faces Along Normals. तो यहाँ पे इतना मेरे को जितना जरूरी उतना ही मैं करना हुआ हूँ, यहाँ पे ये मैंने कर लिया है. Then what I will do, again going to apply one loop cut. यहाँ पे ये apply कर दिया है. Then select this, Shift, Control Shift, then Shift, Control Shift, then I am jumping over here. Sorry, Control Z, Shift. कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे भी हो गया, देन शिफ्ट एंड कंट्रोल शिफ्ट, ओके, अप्लाई आई इनसेट, यहाँ पे जितना चाहिए उतना ही अप्लाई करना गाइस। यहाँ पे हमें कार के जो रीजिस क्रिएट करने होते हैं, ऊपर का जो रहता है टायर के ऊपर का पोर्शन, वो हमें क्रिएट करना है। देन ये होने के बाद मुझे इतना हो गया हमारा, यस इज गोइंग गुड। अब क्या करना है, अब ये सारे फेसेस मेरे को सिलेक्ट करने हैं, सो लेट मी सिलेक्ट कंट्रोल 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 कंट्रोल, यहाँ पे सीधा सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट शिफ्ट सेम इस तरफ, Shift, then control, 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 control and then shift, 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 shift. अभी ये नहीं चाहिए फेसेस, मेरे को निकाल दिए, इसका इसका भी सिलेक्शन निकाल दिया, इसका भी सिलेक्शन निकाल देते हैं हम कंट्रोल करके, एंड देन कंट्रोल करके इसका भी सिलेक्शन निकाल देते, टॉप व्यू में चले जाते हैं वापस से। ओके, देन ऑल्ट ई
एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स, तो यहाँ पे मैंने एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स कर दिया, तो भाई ये हमारा कार का टोटल विड्थ बन गया और यहाँ पे हमारे टायर का जगह बन गया। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रॉपर शेप देना है, राउंडेड शेप होना चाहिए टायर का ऊपर का पोर्शन। तो व्हाट आई विल जस्ट गोइंग इनटू द एज सिलेक्शन मोड, देन कंट्रोल सिलेक्ट किया उसको, शिफ्ट देन अगेन शिफ्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, एंड व्हाट आई विल डू नाउ, एस एंड वाई एक्सिस में इसको स्केल डाउन करते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल। तो भाई यहाँ तक आता है, यस इज गोइंग गुड। तो देखो एक प्रॉपर हमारा एजेस बन रहा है यहाँ पे, देन अगेन यहाँ पे इस एज को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट करके इसको सिलेक्ट करो, शिफ्ट कंट्रोल जेड, जूम कर लो यहाँ पे शिफ्ट, एंड यहाँ पे शिफ्ट कर लिया मैंने, देन व्हाट आई विल डू, एस एंड वाई अगेन एंड कंट्रोल। ठीक है, तो ये भी हो गया मेरा, सेम इस तरफ भी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, देन अगेन कंट्रोल करके इसको करते हैं शिफ्ट एंड कंट्रोल, ओके डन, देन अगेन एस एंड वाई कंट्रोल दबा के, कंट्रोल का यहाँ भी यूज क्या हो रहा है, ये भाई जो हमारा स्नैपिंग ऑप्शन है वो मैंने ऑन किया हुआ है हमारे इंक्रीमेंट का, जो हमारे लिए बेनिफिट करता है और कुछ नहीं है, प्रॉपर चारों तरफ मुझे सेम तरीके से मिले इसलिए मैं कंट्रोल यूज कर रहा हूँ, देन अगेन एस एंड वाई मतलब स्नैपिंग यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये हो गया भाई हमारा चारों तरफ प्रॉपर तरीके से हमारा बन चुका है अभी। सो ये टायर का हमारा प्रॉपर रिजिस रेडी हो चुका है। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द साइड व्यू में चले जाते हैं वापस से। अभी क्या करना है, हमें हमारा टॉप कार का रेडी करना है, उससे पहले हम थोड़ा बंपर को रेडी करते हैं। सो लेट्स डू समथिंग, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, थ्री करके कंट्रोल कंट्रोल एंड जी करके थोड़ा वाई एक्सिस में पीछे की तरफ लेता हूँ यहाँ पे उसको, एंड देन व्हाट आई वांट टू डू के भाई इसको थोड़ा सिलेक्ट करते हैं, लेट मी डू समथिंग के भाई हाँ इस एज को थोड़ा सिलेक्ट करते हैं टू करके, लेट सिलेक्ट दिस एज एंड लेट मी सिलेक्ट दिस एज एंड देन जी एंड वाई एक्सिस में थोड़ा इसको आगे की तरफ लेके आता हूँ, एंड लेट मी सिलेक्ट दिस एजेस कंट्रोल करके इसको सिलेक्ट करते हैं, एंड थोड़ा जी जी करके ऊपर की तरफ लेके जाते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक दिस वन। तो ओके यहाँ तक ठीक है ये सब कुछ। अब थोड़ा हमारा सेंटर वाला पोर्शन, ओके लेट सिलेक्ट दिस वन, इसको थोड़ा बाद में करते हैं, लेट्स डू दिस ओवर हियर, यहाँ पे अभी फेस सिलेक्शन ऑन करते हैं एंड कंट्रोल शिफ्ट करके इसको सिलेक्ट करते हैं, देन प्रेस द आई एंड इंसर्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे इंसर्ट कर लो, देन ई एंड एक्सट्रूड करना है हमें, यहाँ पे मैंने एक्सट्रूड कर लिया है। लेट्स जंप इनटू द साइड व्यू, तो हमें थोड़ा हाइट पता चले, जी एंड जेड हल्का सा ऊपर ले रहा हूं और ठीक है डन, देन एस एंड वाई एक्सिस में थोड़ा इसको छोटा करना है हमें यहाँ पे, ये हो गया एस एंड वाई एक्सिस में, देन टॉप व्यू में चले जाओ एंड एस एंड एक्स एक्सिस में थोड़ा हम इसको छोटा कर देंगे लाइक दिस वन, डन हो गया। अब क्या करना है, थोड़ा राउंड शेप यहाँ पे जनरेट करना है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ पे सिलेक्ट करते तीन करके इसको एंड इसको, देन एंड लेट मी सिलेक्ट दिस, ओके यस ये भी चाहिए हमें, देन जी एंड कौन सी एक्सिस में, वाई एक्सिस में थोड़ा आगे की तरफ लेके जाते हैं, लेन देन नाउ सिलेक्ट दिस वन एंड कंट्रोल शिफ्ट दिस वन एंड जी एंड वाई अगेन, हल्का सा भाई राउंड चाहिए, पूरा गंदा नहीं करना है इसको, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना, देन अगेन आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस वन एंड लेट मी सिलेक्ट दिस टू दिस एंड जी एंड वाई, यहाँ पीछे की तरफ लेके आएंगे, हल्का सा राउंड इसको कर देना है हमें प्रॉपर तरीके से, देन व्हाट आई विल डू, बीच वाले से फेसेस वापस सिलेक्ट करेंगे, सेम प्रोसीजर जो अभी पीछे की तरफ किया। सो ये भी हमारा प्रॉपर राउंड दिखने लगा है, अभी अच्छे तरीके से राउंड हो गया है। देन व्हाट आई विल डू कि भाई ये हमारा जो एज है उसको सिलेक्ट करते हैं या फिर इस फेस को सिलेक्ट करके आप नीचे ला, बट आई विल यूज द एज एंड कंट्रोल करके इसको एज को सिलेक्ट करते हैं, देन प्रेस जी एंड जी, सो नाउ इट्स गिव यू अ बेटर शेप एंड देन जी जी एंड या फिर जी एंड वाई एक्सिस में इसको आगे की तरफ लेके जाओगे, देन अगेन जी एंड जेड एक्सिस में थोड़ा नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो एक राउंड शेप यहाँ पे जनरेट हो चुका है, यू कैन सी दैट ब्यूटीफुल राउंड एज इज ओवर हियर। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सेंटर वाले तो शिफ्ट तीन पे चले जाओ, देन कंट्रोल एंड शिफ्ट यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड जी एंड लिटिल बिट ऑफ अप, थोड़ा हल्का सा ऊपर उठाते हैं इसको, देन अगेन यहां से कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे जी एन हल्का सा जेड में थोड़ा ऊपर उठाया, तो ये थोड़ा राउंड शेप हमारा जनरेट होगा गाइस यहाँ पे भी। सो इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल, ये भी राउंड शेप जनरेट होगा, यू कैन सी दैट के प्रॉपर तरीके से जा रहा है। अब चाहो तो आप इसको इस एजिस को सिलेक्ट कर सकते हो कंट्रोल करके यहाँ पे, देन जी एन हल्का सा जेड एक्सिस नीचे की तरफ लेके आ सकते हो, देन सेम चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो शिफ्ट कंट्रोल एंड यहाँ पे। अब दोनों को साथ में करते हैं तो बेटर रहते हैं, बट ठीक है अभी हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोगों को ध्यान में रखना है क्योंकि दोनों को प्रोपोर्शनली आपको नीचे लेना है। सो नाउ इफ यू कैन सी इनटू द साइड व्यू, इट्स लुकिंग रियली गुड, बहुत ही बेटर तरीके से लग रहा है। चाहिए तो आप ये आगे वाला लुक भी सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल करके इसको सिलेक्ट करते हैं हम लोग गाइस, एंड देन जी एंड जेड एक्सिस पे हल्का सा नीचे की तरफ लेके जाएंगे यहाँ पे, एंड देन जी जी थोड़ा नीचे की तरफ लेके आते पीछे की तरफ, तो यू कैन सी दैट नाउ इट्स लुकिंग बेटर। अब प्रॉपर तरीके से ये शेप हमारा कार का दिखने लगा है कि पूरा हमारा कार हुड रेडी हो चुका है। अब पीछे के शेप की तरफ चलते हैं गाइज हम लोग, तो थोड़ा इसको सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल करके यहाँ पे, एंड लेट मी मेक इट जी जी यहाँ आगे की तरफ थोड़ा लेके चलते हैं, एंड लेट मी डू वन थिंग कि क्या करेंगे, इस फेस को सिलेक्ट करते हैं तीन करके यहाँ पे, एंड कंट्रोल करके इसको थोड़ा जी एंड वाई एक्सिस में थोड़ा पीछे की तरफ लेके चलता हूँ यहाँ पे, देन अगेन गोइंग टू व्हाट आई एम गोइंग टू डू एजी में चलते हैं यहाँ पे, इसको सिलेक्ट
सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड जी एंड जेड थोड़ा ऊपर की तरफ पहले लेके चलते हैं। सो नाउ यू कैन सी दैट इट्स जनरेटिंग अ डिफरेंट कार वे। तो हमारा कार का यहाँ पे शेप रेडी हो चुका है अच्छे खासे तरीके से। नाउ लेट मी डू वन थिंग, अब क्या करना है यहाँ पे इसका जो ये वाला पोर्शन है हम इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं बेटर तरीके से। सो लेट मी डू वन थिंग, हम क्या करेंगे भाई, लेट्स डू समथिंग। ओके 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 यहाँ पे सो लेट मी सिलेक्ट दिस फेसिस, हम तीन करके इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट करके इसको सिलेक्ट करता हूँ, देन लेट मी प्लेस आई ओवर हियर, हल्का सा इसको इंसर्ट करते हैं गाइस। देन व्हाट आई विल डू, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट लिटिल बिट ऑफ एक्सट्रूड इनसाइड दिस वन, यहाँ पे इसको एक्सट्रूड कर दिया है। एंड देन व्हाट आई विल डू, यहाँ पे इस फेसिस को सिलेक्ट करते हैं, सॉरी कंट्रोल जेड, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट करके इसको सिलेक्ट करते हैं, देन अगेन आई विल मेक इट आई एंड इंसर्ट, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, देन अगेन व्हाट आई विल डू मेक इट एक्सट्रूड अ लॉट मोर एक्सट्रूड ओवर हियर, एंड देन आर एंड जेड एक्सिस, सॉरी नॉट जेड एक्सिस, व्हिच इज दैट, वो करके इसको ऑफ कर, आर एंड एक्स एक्सिस, आर एंड एक्स एक्सिस पे हल्का सा इसको मैं रोटेट करता हूँ गाइस। ओके इट्स लुक बेटर, तो यहाँ पे मैंने हल्का सा इसको रोटेट कर दिया है। एंड देन व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे भी आप चाहो तो इसको भी अप की तरफ ले सकते हो। सो लेट मी अप्लाई टू लुक कट्स ओवर हियर, एक लुक कट यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लोग और एक लुक कट यहाँ पे अप्लाई, सॉरी कंट्रोल आर, एक यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं हम लोग। सो नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे भी लुक कट आ चुका है। नाउ व्हाट यू कैन डू, अब इस लुक को आप ऊपर की तरफ ले सकते हो गाइस। सो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, लेट मी सिलेक्ट दिस टू दिस, यहाँ पे लेके चलते हैं शिफ्ट टू दिस वन, सॉरी कंट्रोल जेड, शिफ्ट एंड कंट्रोल ओवर हियर, एंड लेट मी टेक ओपो जी एंड जेड लिटिल बिट ऑफ अपसाइड, ठीक है ना, मैं यहाँ पे इसको आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ हल्का सा। ओके गुड, इट्स गोइंग गुड गाइस। तो यहाँ पे मेरा कार का एक शेप जनरेट हो रहा है, यू कैन सी दैट, सी इट्स माय चॉइस ऑफ कार, यू कैन वर्क अकॉर्डिंग टू योर वे, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट एन वन, और यहाँ पे मैं आगे ऑल्ट जेड अप्लाई करते हैं, यहाँ का फेसिस मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं फेसिस सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड जी एंड लिटल बिट ऑफ जेड, हल्का सा नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ गाइस इसको, डन, देन अगेन ऑल्ट जेड यहाँ पे देख लो, तो हाँ भाई प्रॉपर एक शेप मेरा जनरेट होना चाहिए, जो मुझे चाहिए था वैसा कुछ जनरेट हो रहा है बेटर तरीके से। अगेन व्हाट आई विल डू, चलता हूं मैं थ्री साइड व्यू के अंदर, यहाँ के फेसिस में सिलेक्ट कर, ऑल्ट जेड अप्लाई कर दो एंड देन अगेन आई एम सिलेक्ट, देन जी एंड जेड, हल्का सा नीचे की तरफ लेना चाहता हूँ गाइस यहाँ पे लाइक दिस वन, क्योंकि कार का थोड़ा शेप मेरे को चाहिए था, वो प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए मुझे। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट दिस वन, तो यहाँ पे ये भी प्रॉपर शेप रेडी हो चुका है, ऑल्ट जेड से अभी हम बाहर आ जाते हैं। एंड नाउ यू कैन सी दैट हमारा ऑलमोस्ट बेटर तरीके से टॉपोलॉजी जाते हुए दिख रहा है गाइस। अब कार के हेडलाइट्स वगैरह भी मुझे जनरेट करना है। सो नाउ व्हाट यू कैन डू, कि भाई हम इस एज को सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट में सिलेक्ट कंट्रोल करके इस एज को सिलेक्ट करते हैं, इस सिलेक्शन में चलते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया एस एंड कौन सा एक्स एक्सिस, हल्का सा स्केल करना चाहो तो आप स्केल कर सकते हो, बट इट्स लुकिंग वियर्ड, तो उतना मजा नहीं आ रहा है, इट्स नॉट गोइंग दैट मच ऑफ गुड, उतना मजा नहीं आ रहा, तो लेट्स लीव इट लाइक दिस वन, उसको ऐसे ही छोड़ते हैं। अब क्या करना है भाई, मुझे एक तो बंपर रेडी करना है कार का, तो लेट्स मी सिलेक्ट दिस, तो यहाँ से आगे और पीछे वाले बम्पर इनको सिलेक्ट, कंट्रोल जेड कंट्रोल करके यहाँ पे करो, इसको सिलेक्ट किया, देन व्हाट आई विल डू, लेट्स सिलेक्ट, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे आई करके इंसर्ट करते हैं सबसे पहले हल्का सा, ओके, देन एक्सट्रूड इट, सॉरी कंट्रोल जेड, देन ऑल्ट ई एंड एक्सट्रूड अलोंग द नॉर्मल्स, यहाँ पे हल्का सा बाहर की तरफ एक्सट्रूड करेंगे हम थोड़ा इसको, देन अगेन आई करके इंसर्ट करते हैं हल्का सा, एंड देन व्हाट आई विल डू, अगेन ऑल्ट ई एंड एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स, हल्का सा अंदर की तरफ मैंने इसको क्या कर देना, एक्सट्रूड कर देना है गाइस। सो नाउ यू कैन सी दैट मेरा कार का आगे वाला बम्पर रेडी हुआ है। अब मुझे यहाँ पे लाइट्स जनरेट करनी है, सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे लाइट्स जनरेट करने वाला हूँ, कंट्रोल करके यहाँ पे लाइट्स जनरेट कर रहा हूँ, लेट मी सिलेक्ट द लाइट्स ओवर हियर, इफ यू वॉन्ट टू सी दैट कि भाई ये चारों के चारों एक साथ लेने, तो यू कैन टेक इट लाइक दिस वन, एंड देन व्हाट वी विल डू, आई इंसर्ट कर लो यहाँ पे, अच्छा खासा इंसर्ट हुआ है, देन यू कैन डू दैट, ऑफसेट इवन होना चाहिए, ऑफ करोगे तो देखो वियर्ड हो जाएगा, तो ऑफसेट इवन हो चुका है, देन अगेन ऑल्ट ई एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स, तो भाई अंदर की तरफ लेके जाना है हमें यहाँ पे इसको, तो अच्छा खासा मैं अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो भाई ये हमारा लाइट वाला पोर्शन रेडी हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट करके इसको सिलेक्ट किया, देन आई इंसर्ट करना है यहाँ पे हल्का सा, एंड देन व्हाट आई विल डू, अगेन ऑल्ट ई एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स, जो कार का ग्रिल होता है वो मुझे रेडी करना है यहाँ पे, तो ये मेरा कार का ग्रिल रेडी हो चुका है यहाँ पे, यू कैन सी दैट द माय कार ग्रिल इज रेडी ओवर हियर, तो यहाँ पे ये रेडी हो गया। अब मुझे पीछे का पोर्शन रेडी करना है सेम तरीके से, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट किया है, कंट्रोल करके इसको सिलेक्ट करता हूँ, देन लेट मी सिलेक्ट दिस वन, देन अगेन व्हाट आई विल डू, आई एंड इंसर्ट ओवर हियर, देन ऑल्ट एंड ई एक्सट्रूड करते हैं हम इसको यहाँ पे बाहर की तरफ हल्का सा, सॉरी कंट्रोल जेड फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट, यहाँ पे अच्छा खासा एक इंसर्ट मार लिया, देन ऑल्ट एंड ई एक्सट्रूड फेसेस अलोंग द नॉर्मल्स, तो बाहर की तरफ हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सट्रूड कर रहे हैं यहाँ पे पीछे की तरफ, देन अगेन आई, मैं यहाँ पे इसको आई कर रहा हूँ, या फिर द बेटर ऑप्शन इज दैट यस वी कैन डू द आई,
यहाँ पे आई ही कर रहा हूं मैं, एंड देन प्लेस द कंट्रोल और थोड़ा उसको बाहर की तरफ निकाल के लेके आ रहा हूँ गाइस। सो नाउ यू कैन सी दैट वी हैव द डिफरेंट बम्पर एट द बैक साइड, एक प्रॉपर पीछे की तरफ एक हमारा बम्पर अच्छे से क्रिएट हो चुका है। नाउ यहाँ पे मेरे को लाइट्स क्रिएट करनी है, सो व्हाट आई कैन डू, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, ये वाली जो स्पेसिस है इसको सिलेक्ट करते हैं, देन शिफ्ट एंड इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, देन अगेन मेक इंसर्ट ओवर हियर, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, देन एक्सट्रूड इनसाइड दिस वन, तो ये हमारा रेयर लाइट क्रिएट हो चुका है। अब पीछे का नंबर प्लेट मुझे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया, देन अगेन आई हल्का सा, एंड देन एक्सट्रूड इनसाइड दिस वन, तो इसको हमने क्या बना दिया, हमारा नंबर प्लेट कार का रेडी हो चुका है। सो वी हैव ऑलमोस्ट रेडी द नंबर प्लेट। अब थोड़ा क्या करना है भाई, इसको सिलेक्ट करता हूं और इसको यहां पे सिलेक्ट करता हूं, देन लेट मी डू द एक्सट्रूड ओवर हियर, यहां पे एक अच्छा खासा एक्सट्रूड करते हैं, देन अगेन लेट मी मेक इट एक्सट्रूड ओवर हियर एंड लेट मी मेक इट स्केल डाउन, हम इसको थोड़ा स्केल डाउन करते हैं यहां पे हल्का सा। सो यू कैन सी दैट एक अच्छा सा बंपर वाला पीछे का कोई स्पॉइलर जैसा चीज आपको जनरेट करना था, दैट वी हैव जनरेटेड ओवर हियर, एक अच्छा खासा स्पॉइलर हमारा जनरेट हो चुका है। चाहो तो इसको यहां से यहां तक ज्वाइन कर सकते हो, बट हमारे लिए अभी ये लो पॉली, हमें ज्यादा नहीं, हमें जस्ट खाली टूल्स को समझ में लाना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है गाइस चीजों को, तो ध्यान में रखना। अब मिरर रेडी करते हैं, तो व्हाट आई विल डू, यहां से फेसेस को सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल करके ये सारे फेसेस सिलेक्ट हो गए, देन अप्लाई द आई एट इंसर्ट हो गया इसका यहां पे, एंड देन एक्सट्रूड अगेन, तो कौन सी तरफ करेंगे भाई, अंदर की तरफ एक्सट्रूड करना इसको, तो ये हो गया हमारा एक्सट्रूड। सेम चीज पीछे की तरफ, इसको सिलेक्ट किया, देन अगेन कंट्रोल करके इसको सिलेक्ट किया, अगेन अप्लाई द आई, तो ये भाई हमारा ये हो गया, और अभी एक्सट्रूड करेंगे हम अंदर की तरफ। सो लेट्स डू द एक्सट्रूड ओवर हियर, तो भाई पीछे का भी मिरर रेडी हो चुका है हमारा, देन सेम चीज यहाँ पे कंट्रोल, ये दोनों मेरे को करने हैं साथ में, या फिर यहाँ पे कर देते हैं सबसे पहले, तो लेट्स डू दिस वन, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, सेम चीज यहाँ पे क्या कर लोगे, कंट्रोल करके, सॉरी कंट्रोल जेड शिफ्ट करके सिलेक्ट करो, एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे आगे आई करके इंसर्ट कर दो यहाँ पे इसको। सी गाइस ध्यान रखना, हम सभी तरह एक जैसा इंसेट होना चाहिए, देन ऑल्ट ई एक्सट्रूड फेसिस अलोंग नॉर्मल, तो अंदर की तरफ ये हो गया, एंड देन व्हाट आई विल डू, यहाँ पे ये दो कर मिरर सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये दो सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन अगेन व्हाट यू हैव टू डू, आई एंड इंसेट, ये चीज जितना हो सके उतना सिमिलर रखना है गाइस, चेंजेस ना उतना ध्यान में रखना, वरना बहुत वियर दिखेगा, एंड देन अगेन ऑल्ट ई एंड एक्सट्रूड इनसाइड दैट वन, तो ये भी हमारा एक्सट्रूड हो चुका है। तो नाउ यू कैन सी दैट भाई हमारे मिरर्स भी रेडी हो चुके हैं। नाउ अब क्या रह गया भाई, हमें एक साइड मिरर रेडी करना है, वो चीज हमें ध्यान में रखें भाई, दोनों तरफ क्या करना है, साइड मिरर रेडी करना है, तो व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट डी, और इसको सेपरेट कर देता हूँ, पी एंड सिलेक्शन हमने कर लिया है, नाउ टैब इसको सिलेक्ट करते हैं, चले जाते हैं वापस एडिट मोड में, ए एस और कौन सी एक्सिस में सेलेक्ट करना है मेरे को, वाई एक्सिस में, उसको स्केल डाउन करना है, तो मैंने वाई एक्सिस में इसको स्केल डाउन कर दिया है, देन अगेन एस एन इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं यहाँ पे, एंड जी एंड वाई एक्सिस में थोड़ा आगे की तरफ यहाँ पे लेके आया हूँ गाइस, देन अगेन ई एंड एक्सट्रूड करता हूँ यहाँ पे, आर और कौन सी वाई एक्सिस है इसके ऊपर थोड़ा रोटेट कर देते हैं यहाँ पे इसको, देन अगेन ई एंड एक्सट्रूड करता हूँ यहाँ पे इसको, यहाँ पे लाइक दिस वन, देन सिलेक्ट दिस फेसिस, मैं तीन करके ये वाला फेस सिलेक्ट किया हूँ, एंड लेट मी सिलेक्ट द बॉटम फेसिस, ओके कंट्रोल जेड, एंड देन शिफ्ट करके नीचे वाला फेस सिलेक्ट किया हूं, देन एस एंड जेड एक्सिस में इसको थोड़ा स्केल कर देते हैं गाइस जैसा, लाइक दिस वन, ओके डन। अब क्या करना है, यहाँ पे इसका मिरर जनरेट करना है, थ्री करके फेस को सिलेक्ट किया, आई करके इंसर्ट करते हैं हल्का सा लाइक दिस वन, बहुत ज्यादा मत करना, एंड ई एंड एक्सट्रूड इसको अंदर की तरफ कर दिया, ये हमारा एक्सट्रूड हो गया गाइस, यू कैन सी दैट आवर फेस, ये वाला पोर्शन हमारा रेडी हो चुका है। नाउ व्हाट आई कैन डू, इसको सिलेक्ट कर देते हैं अभी, और क्या करेंगे भाई, ये सिलेक्टेड है, इसका शिफ्ट डी कर देते हैं हम यहाँ से, नाउ लेट सिलेक्ट अगेन, टैप करके चलते हैं यहाँ पे, और कौन सा वाला, ये वाला मिरर था, इसको पकड़ेंगे, आई करके इंसर्ट करेंगे, एंड देन ई करके एक्सट्रूड कर दो इसको अंदर की तरफ, ठीक है। तो सेम चीज अभी यहाँ पे करना है, टैप करके इसको सिलेक्ट करो, आई करके इसको, ये सिलेक्टेड है, खाली एक्सट्रूड करना है हमें, तो अंदर की तरफ क्या कर देंगे हम, इसको हल्का सा एक्सट्रूड कर देंगे भाई, दोनों तरफ क्या हो गए, हमारे मिरर रेडी हो चुके हैं। अब टायर्स रेडी करना बाकी है, सो लेट्स जनरेट अवर टायर फर्स्ट, तो हम हमारा टायर जनरेट करते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, अभी हम ऑब्जेक्ट मोड के अंदर हैं, सो लेट्स क्रिएट अ शिफ्ट ए, और सॉरी एडिट मोड में, ऑब्जेक्ट मोड में चलते हैं, शिफ्ट ए, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ मैश, एंड मैं एक सिलेंडर क्रिएट कर रहा हूं, और यहाँ पे इसके वर्टिसेस कर देता हूं मैं 12 बराबर, जी एंड कौन सा एक्स एक्सिस में थोड़ा बाहर लेके आते हैं, देन आर वाई एंड आई एम रोटेटिंग इन टू द 90 डिग्रीज, तो ऐसे फेस मेरे सामने आ जाएगा। Let's go over here. तो टॉप व्यू में चलते हैं, क्या करेंगे, S और कौन सा एक्सिस है हमारा, X एक्सिस में थोड़ा इसका स्केल डाउन करते हैं यहाँ पे। So now it's looking good. ये हो गया। अब क्या करेंगे? चलते हैं एडिट मोड के अंदर, ये वाला फेस सिलेक्ट करेंगे, आई करके इंसर्ट करते हैं हल्का सा यहाँ पे, तो ये हमारा टायर वाला पोर्शन यहाँ पे रेडी हो गया। देन अगेन आई विल मेक इट आई एंड एक सॉरी
कंट्रोल जेड, अगेन कंट्रोल जेड, कंट्रोल शिफ्ट जेड, ओके, देन अगेन आई एक हल्का सा छोटा और इंसर्ट, एंड देन अगेन वन मोर आई, और मैं यहाँ पे एकदम छोटा सा कर रहा हूँ इंसर्ट, और क्या करूंगा इसको, ओके सॉरी इट्स गोइंग गुड, नो, सो यहाँ पे इसको करने के बाद सबसे पहले हम एक्सट्रूड करेंगे यहाँ पे, देन अगेन लेट्स मेक इट आई ओवर हियर, एंड देन लेट मेक इट एक्सट्रूड आउटसाइड लिटिल बिट ओवर हियर, एंड मेक इट स्केल डाउन, यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम लोग, तो यू कैन सी देन यहाँ पे ये बाहर नहीं आना चाहिए, तो थोड़ा क्या करेंगे जी एंड एक्स एक्सिस में हल्का सा पीछे की तरफ लेते हैं उसको, ताकि ये बेटर तरीके से समझ में आए। अब क्या कर रहा हूँ, टू कर रहा हूँ, ऑल्ट करके इस एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड इसको क्या कर रहा हूं मैं जी एंड एक्स एक्सिस में थोड़ा अंदर की तरफ स्लाइंड कर देता हूँ, ताकि हमारा एक थोड़ा व्हीलिंग जैसा समझ में आए, ये चीज हमें बेटर तरीके से। सो ये हमारा जनरेट हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ साइड व्यू में चले जाते हैं, टैप करते हैं, एंड लेट मी सी दैट के क्या करेंगे हमारा थ्री, सो दिस इज आवर थ्री, तो यहाँ पे व्यू पे देख लेते हैं, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिख रहा है हमें, या फिर एडिट मोड में ए करके चले जाते हैं, टैप करके एडिट मोड में, ताकि और बेटर तरीके से समझ में आए। अब क्या करेंगे, एल करके इसको सिलेक्ट करेंगे, जी वाई, और यहाँ पे लेके आएंगे प्रॉपर तरीके से, एंड लेट्स जंप इनटू द टॉप व्यू, यहाँ पे चलते हैं, देन जी एंड एक्स एक्सिस में इसको, ओके द फेस गलती से पीछे वाला सिलेक्ट हो गया, तो लेट्स डू दिस वन, ओके अभी सिलेक्टेड नहीं है ना, नो नॉट सिलेक्टेड, सो नाउ लेट सिलेक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट करके एल करते हैं, देन अगेन जी एंड वाई एक्सिस में यहाँ पे लेके चलते हैं इसको, देख लो भाई सिलेक्टेड नहीं, यहाँ नहीं है, देन टॉप व्यू, देन जी एंड एक्स एक्सिस में इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, और नीचे की तरफ इसको सेट करना है टायर को एक्जेक्टली यहाँ पे, इज डन। अब देख लेते भाई टायर प्रॉपर, तो साइज थोड़ा टायर का बड़ा है, तो एस एंड कौन सा एक्सिस, शिफ्ट एक्स कर देंगे, सॉरी तो ये प्रॉपर तरीके से हमारा टायर टच नहीं होना चाहिए ना, सो थ्री, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, जी एंड जेड एक्सिस में थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे यहाँ पे, सो नाउ यू कैन सी दैट इज प्रॉपरली सेटल्ड ओवर हियर, देन जी एंड वाई हल्का सा आगे की तरफ लेके जाना है, तो भाई ये हो गया हमारा टायर, देन शिफ्ट डी अगेन, एंड उसको क्या करें, सॉरी कंट्रोल जेड, देन अगेन क्या करेंगे, इसको वापस यहाँ पे आए एल कर देंगे, एंड व्हाट यू हैव टू डू, शिफ्ट डी एंड मूव इट ओवर हियर, और कहां पे लेके आएंगे, वाई एक्सिस में इसको मूव करना है गाइज, यहाँ पे लेके आ गए थ्री व्यू में, देख लो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से गाइज हमारा सेट होना चाहिए टायर, बस यही हमें ध्यान रखना है, और कुछ भी चेंजेस नहीं चाहिए हमें, बस हमारा टायर क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से सेट होना चाहिए। सो थ्री में है, वापस हमारा टायर यहाँ पे भी सेट हो चुका है, नाउ लेट्स डू दैट कि ये दोनों टायर सिलेक्ट करते हैं अभी यहाँ पे एल करके, सबसे पहले क्या करेंगे पी एंड सिलेक्शन, ठीक है ना, सेपरेट सिलेक्शन होना चाहिए हमारा, तो ये सिलेंडर हमारे सेपरेट सिलेक्शन हो चुके हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, वापस चलते हैं, क्या करना है शिफ्ट डी कर देना है, छोड़ दिया, देन आर जेड एंड 180 डिग्री इसको रोटेट मार देते हैं, देखो ये प्रॉपर जगह पे कहाँ गए भाई, अच्छा देखो बहुत दूर चले गए, तो क्या करोगे अभी टॉप व्यू में जाना है, जी एंड वाई एक्सिस, सॉरी जी एंड एक्स एक्सिस पे इसको लेके जाना है आपको, और यहाँ पे जैसे वो टायर दिख रहे उतने ही ये टायर मुझे दिखने चाहिए कार के अंदर, सो लेट मी सेटल ओवर हियर, तो ये हो गए प्रॉपर तरीके से सेट, सो नाउ आवर कार इज रेडी गाइस, यू कैन सी दैट वी हैव डन अवर लो पॉली मॉडल कार। अगर मैं यहाँ पे इसको आपको सेट करके दिखाता हूँ, सो यू कैन सी दैट, लेट मी अप्लाई द शेडो एंड कैविटी, सो यू कैन सी दैट वी हैव अ ब्यूटीफुल कार रेडी, हमारा एक अच्छा खासा कार रेडी हो चुका है, नाउ लेट्स अप्लाई द कलर शेड्स ऑन दिस वन, और फिर उसका सीन रेडी करते हैं गाइस। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द शेडिंग ऑफ अ कार, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम हमारी कार को सिलेक्ट करते हैं, चलते हैं एडिट मोड के अंदर, न्यू मटेरियल यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, एंड लेट मी डू वन थिंग, क्या करेंगे भाई, यहाँ पे सबसे पहला जो मेरे को शेड अप्लाई करना है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एंड मैं सीधा सीधा जो मेरा चूज कलर है मैं सीधा अप्लाई करता हूँ यहाँ पे 2 4 3 1 3 2, ओके लेट्स अप्लाई दिस वन, यहाँ पे असाइन कर देना है, बस हमें खाली डन हो गया है, और इसको क्या कर दूंगा मैं असाइन कर दूंगा, चले जाते हैं हमारे शेडिंग व्यू पैड के अंदर, ताकि हमें समझ में आए यस इज गोइंग टू बी डन, ये हमारा शेड डन हो चुका है। अब सिलेक्ट करते हैं भाई हमारे मिरर्स को, यहाँ पे जो हमारे मिरर्स है उसको सिलेक्ट करते हैं, सो लेट्स सिलेक्ट दिस, फेस सिलेक्शन मोड में चले जाते हैं, यहाँ पे मिरर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं गाइस, ओके देन सिलेक्ट दिस वन, यहाँ पे शिफ्ट करके सिलेक्ट करो, देन अप्लाई कंट्रोल कंट्रोल जेड, देन यहाँ पे सिलेक्ट कर लो एंड अप्लाई द शिफ्ट अगेन, देन यहाँ पे शिफ्ट शिफ्ट एंड शिफ्ट अगेन, और सेम चीज यहाँ पे करना है हमें, सो लेट्स सिलेक्ट दिस शिफ्ट, और यहाँ पे करेंगे कंट्रोल एंड देन अगेन कंट्रोल करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, तो भाई हमारे चारों तरफ के मिरर सिलेक्ट हो चुके हैं। लेट्स क्रिएट अ न्यू मटेरियल फॉर दैट वन, यहाँ पे न्यू अप्लाई करता हूँ, एंड लेट मी चूज सम काइंड ऑफ लिटिल बिट ऑफ ब्लू स्टोन, यहाँ पे हल्का सा ब्लू स्टोन सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले, एंड देन लेट्स मेक इट लिटिल बिट ऑफ डार्कर ओवर हियर, तो यहाँ पे हल्का सा इसको डार्क कर दिया है, एंड लेट मी मेक इट असाइन, तो मैं इसको भी यहाँ पे क्या कर देता हूँ असाइन कर देता हूँ, तो लेट्स सी दैट यस इज लुकिंग गुड, ये भी अच्छे से हमारे समझ में आना चाहिए, तो आप थोड़ा इसको ब्राइटर कर सकते हो, तो लेट्स चूज इट वो हियर, और हल्का सा अगर आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा ब्राइट कर दो इसको, तो इस लुक गुड, ये भी हो गया है। अब क्या करना है भाई हमारे कार का ये मटेरियल, अब टायर की तरफ चलते हैं हमारे,
लेट्स जंप, और टायर से पहले बंपर कर लेते हैं, भाई हम यहीं पे हैं, तो लेट्स सिलेक्ट दिस फेस, देन लेट्स सिलेक्ट दिस दिस कंट्रोल, अब क्या करेंगे कंट्रोल प्लस, तो भाई हाँ ये हमारा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। नाउ व्हाट आई विल डू, यहाँ पे भी नया मटेरियल क्रिएट करते हैं, चलते हैं न्यू के अंदर एंड लेट मी जंप ओवर हियर, और इसको सीधा डार्क शेड देते हैं यहाँ पे लाने के बाद। ओके डन, ये भी हो गया है हमारा एंड लेट मी मेक इट असाइन, तो ये भी हो चुका है। अब सेम पीछे की तरफ इस वाले बंपर को सिलेक्ट करना है, लेट मी सिलेक्ट द कंट्रोल एंड कंट्रोल, यहाँ पे भी क्या करेंगे कंट्रोल प्लस कर देंगे एंड देन अगेन आई एम गोइंग टू सी अप्लाई द सेम कलर, जो आगे वाले बंपर को हमने असाइन किया था वही हमने क्या कर दिया, इसको भी असाइन कर दिया है। सेम अभी मुझे क्या करना है, इस वाले पोर्शन को भी यहाँ पे अप्लाई करना है। सो व्हाट आई कैन डू, अब क्या करते हैं, एक चीज मेरे को यहाँ पे लग रहा है, इसको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट करके इसको सिलेक्ट करते हैं एंड लेट मी मेक इट जी जी, थोड़ा आगे की तरफ लेके जाते हैं उसको एंड देन जी एंड जेड हल्का सा नीचे की तरफ ले लेते हैं गाइस, ताकि ये थोड़ा प्रॉपर लगे, एकदम शार्प लगने की जगह पे एक बेटर तरीके से सेटल शेप लगे। सो नाउ इट्स गुड, तो ये हो चुका है, साइड में चले आते हैं। अब क्या करना है कि भाई हमारा जो ये वाला पोर्शन, इसको सिलेक्ट करते हैं, फेस सिलेक्शन ये हो गया, कंट्रोल शिफ्ट करके इसको सिलेक्ट कर लिया, अब क्या करेंगे कंट्रोल प्लस, तो भाई हाँ ये हो गया है हमारा यहाँ पे, और इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा अलग से हमें। सो लेट्स इट सिलेक्टेड, और सेफ बम्पर वाला शेड मैं उसको देने जा रहा हूँ, तो आसान हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे अंदर का शेड मुझे सिलेक्ट करना था, आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट दिस वन एंड कंट्रोल प्लस, और यहाँ पे करते हैं न्यू मटेरियल सिलेक्ट करते हैं हम लोग, थोड़ा यहाँ पे चले जाते हैं, थोड़ा ग्रे स्टोन यहाँ पे अप्लाई करूंगा मैं ऑलमोस्ट लाइक दिस वन एंड लेट मी मेक इट असाइन ओवर हियर। सो नाउ यू कैन से दैट इट्स गेटिंग चेंज, इट्स लुक गुड, ये भी यहाँ पे अच्छे से अप्लाई हो गया। अब मिरर को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट्स क्रिएटर, उसको सीधा मेन कलर जो हमारा अप्लाई है, तो मैं डार्क शेड इसको भी अप्लाई कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको भी सेम हम क्या कर देंगे, वही वाला डार्क शेड अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो ये भी अप्लाई, सॉरी ओके इसको सिलेक्ट हुआ एंड देन लेट मी मेक इट, टैप करके चलते हैं यहाँ पे ए एंड लेट मी असाइन दिस वन, तो ये भी हमारा असाइन हो चुका है। अब क्या करना है, मिरर के अंदर वाले शेड पकड़ने, तो इसको पकड़ लेते हैं, सॉरी ये वाला सिलेक्टेड है, तो पहले तो इसको पकड़ लेते हैं यहाँ पे एंड कौन सा वाला मटेरियल असाइन करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं, जो हमने कार का ग्लास वाला दिया है वही मटेरियल यहाँ पे उसको असाइन कर देंगे गाइस, तो ये भी यहाँ पे हो चुका है। सेम चीज अभी इस वाले को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, अंत आते हैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, लेट्स क्रिएट अ न्यू मटेरियल, और सेम वही वाला मटेरियल यहाँ पे असाइन कर देंगे जो हमने ग्लास को असाइन किया था कार के। ओके कंट्रोल जेड एंड लेट मी मेक इट असाइन फर्स्ट, ये भी असाइन हो चुका है हमारा। नाउ अब कौन सा पोर्शन रह गया, ये वाला प्लस रह गया, तो वापस से कार को सिलेक्ट करते चलते हैं यहां पे, लेट सिलेक्ट दिस फेस एंड देन कंट्रोल करके इस फेस को सिलेक्ट करो, कंट्रोल प्लस, ये हो गया, इसको मैं डार्क कलर अप्लाई करूंगा, ये साइन हो गया है यहाँ पे हमारा। अब हमारे टायर वाला पोर्शन बाकी, टैप करके टायर को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ओके ये टायर सिलेक्ट हो चुके हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे, सीधा सीधा मेरे को जो मेन कलर असाइन करना है दैट इज दिस वन, तो ये कलर असाइन हो गया है। सेम अभी इस वाले टायर को सिलेक्ट करते हैं, वही डार्क वाला कलर हमें अप्लाई करना है, तो ये भी हो गया है हमारा। ओके यहाँ पे थोड़ा गलती, सो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट जंप इन साइड दिस वन, हमें एडिट मोड में चलना पड़ेगा, ए करके सबको सिलेक्ट करना है और कौन सा वाला, ये वाला मटेरियल अप्लाई करना है। ऑलरेडी मेरे सिलेक्शंस ऑन थे, तो यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका था, अभी मुझे क्या करना है, सबके ऊपर अप्लाई करना है। सो लेट्स मेक इट असाइन, तो भाई ये हो गया सबके ऊपर असाइन यहाँ पे। अब क्या करना है, इसके अंदर थोड़े चेंजेस करने, तो व्हाट आई विल डू, इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड देन और साथ में इसको सिलेक्ट करता हूँ, लेट मी अप्लाई द कंट्रोल प्लस, यहाँ पे कंट्रोल प्लस अप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, एक एक करके यहाँ पे सिलेक्ट करना है, या फिर आप क्या कर सकते हो, पूरी की पूरी रिम पकड़ सकते हो, दैट्स ईच एंड एवरीथिंग अप टू यू। और मैं इसको एक नया शेड देना चाहता हूं, सो लेट मी क्रिएट अ न्यू शेड, हमने कहीं पे दिया है क्या, नहीं दिया है, ओके लेट्स सिलेक्ट दिस वन एंड अप्लाई न्यू, और यहाँ पे मैं ये व्हाइट से थोड़ा डार्क ग्रेश कर देता हूँ यहाँ पे हल्का सा, नॉट एग्जैक्टली द प्योर व्हाइट, ये हो गया एंड लेट मी असाइन दिस वन। सो नाउ यू कैन सी दैट वी हैव द कार नेम इज रेडी, आप चाहो तो इसके अंदर डिफरेंट शेड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अलग अलग करके। सो यू कैन अप्लाई द, सपोज इसको सिलेक्ट कर, सॉरी कंट्रोल यहाँ पे सी, इसको सिलेक्ट कर लो, देन शिफ्ट करके इसको करो, शिफ्ट करके इसके शिफ्ट, इसके शिफ्ट, शिफ्ट शिफ्ट, ये हो गया यहाँ पे, देन अगेन सिलेक्ट दिस वन, यहाँ पे भी एक एक छोड़ के सिलेक्ट करते जाओ गाइस अपने हिसाब से, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। नाउ इफ यू वांट टू गिव इट अ डार्क मटेरियल, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया असाइन, सो नाउ यू कैन सी दैट यू हैव द प्रॉपर रिम रेडी। ठीक है, सेम चीज अभी हमें यहाँ पे करना है, सो लेट्स जंप इनटू दिस वन, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, चलते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट करते हैं इस फेस को, देन गोइंग टू सिलेक्ट दिस फेस,
कंट्रोल प्लस कर लो, यहाँ पे हमने वहां पे क्या किया, यस द सेम थिंग वी हैव डन, देन कंट्रोल प्लस करके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब साथ में क्या करेंगे भाई, शिफ्ट करके इसको सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट देन शिफ्ट देन शिफ्ट देन शिफ्ट एंड देन अगेन अ शिफ्ट, सेम चीज यहाँ पे शिफ्ट करके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, एंड देन शिफ्ट 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 सिलेक्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे भाई, इसके अंदर नया मटेरियल सिलेक्ट करना है, चलना है यहाँ पे, और हमने जो लेटेस्ट अभी यहाँ पे अप्लाई किया दैट इज द मटेरियल फूल, एंड लेट मी असाइन दिस वन। सो नाउ यू कैन सी दैट वी हैव द बोथ द साइड इज रेडी। तो अब यहाँ से टैब से बाहर निकल दे, तो हमारा कार का ऑलमोस्ट शेडिंग इज डन। अब लाइटिंग पेंडिंग है तो लाइटिंग अप्लाई कर लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं इसको, चलते हैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पे भी सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एंड देन अप्लाई द कंट्रोल प्लस, यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू मटेरियल ओवर हियर, और यहाँ पे हम नया मटेरियल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे असाइन कर देते हैं यहाँ पे। सो लेट्स टाइप द कलर आई हैव रेडी, दैट इज द E7E357। ये मैंने अप्लाई कर दिया, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूं क्योंकि मुझे यही चीज एमिशन में भी इसके शेयर में अप्लाई करना था, यहाँ पे हो गया। चलते हैं अभी एमिशन में क्योंकि लाइट एमिट होना चाहिए हमारा, टॉप पे चले जाते हैं, फिर यहाँ पे वही वाला कलर क्या करते थे, कंट्रोल वी करके अप्लाई करते थे, नहीं जाते टॉप पे तो भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट अप्लाई द असाइन। तो ये हो गया हमारा असाइन। अब सेम चीज पीछे की तरफ चलते हैं, और ये वाला हमें सिलेक्ट करना है, देन कंट्रोल यहाँ पे हो गया, देन शिफ्ट एंड सॉरी कंट्रोल जेड, देन शिफ्ट से कंट्रोल क्या करोगे, कंट्रोल प्लस कर लो यहाँ पे। अब मुझे वापस यहाँ पे भी एक नया मटेरियल असाइन करना है, लेट मी क्रिएट द न्यू वन, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूं, और जो मैं अप्लाई करने जा रहा हूं दैट इज अबाउट द अगेन E7342A। तो मैं ओके इस 2A, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया हमने, एंड नाउ लेट्स मी गो ओवर हियर इनटू द एमिशन, एंड सेम वाला मेरे को यहाँ पे अप्लाई करना है, तो दैट इज अबाउट द E7342A। तो यहाँ पे हमने इसको अप्लाई कर दिया है, लेट सिलेक्ट दिस, तो ये भी हो गया। अब एमिशन की वैल्यू गाइज हमें बढ़ानी है, जितना आपको चाहिए उतना आप एमिशन वैल्यूज बढ़ा सकते हो गाइज, और यहाँ पे चले जाते हैं और इसको क्या कर देते हैं, असाइन कर देते हैं, साथ में इसको भी यहाँ पे पकड़ रहे हैं अभी, और इसका भी एमिशन वैल्यू मेरे को बढ़ाना है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू इंक्रीज ऑलमोस्ट लाइक 10 और 11 यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि आपका कार यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है। नाउ यू कैन कम आउट फ्रॉम ओवर, यू कैन सी इट्स रियली लुकिंग ब्यूटीफुल, हमारा लाइट एमिट होते हुए दोनों तरफ से दिख रहा है, तो हमारा कार का ऑलमोस्ट शेडिंग रेडी हो चुका है। नाउ लेट्स फास्ट डिफाइन अवर सीन, तो अभी हमारा सीन रेडी करते हैं। तो व्हाट वी विल डू, शिफ्ट ए एंड मैश करके मैं क्रिएट करने जा रहा हूं, एक प्लेन क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पे, देन टॉप व्यू में चले जाते हैं, लेट मी क्रिएट एस, स्केल कर रहे हैं इसको, थोड़ा यहां से बाहर आना चाहिए, तो ओके ये बाहर आ चुका है ऑलमोस्ट लाइक दिस वन, थोड़ा और ओके डन। अब क्या करना है मुझे, खाली उसको एस एंड वाई एक्सिस में स्केल करना है, बिकॉज़ आई वांट टू क्रिएट माय रोड ओवर हियर। तो ये क्रिएट हो चुका है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इसके अंदर मुझे कुछ चीजें बनानी थी, सबसे पहले तो मैं इसको एडिट मोड में चलते हैं, ई करके एक्सट्रूड करता हूं ऊपर की तरफ, भाई मेरा रोड का मेरे को जो अप्लाई करना था, देन लेट्स प्लेस 1 सॉरी 3 में साइड व्यू में चलते हैं, सिलेक्ट ए एंड जी एंड जेड करके थोड़ा उसको नीचे लेके आते हैं, हमारा टायर हमें दिखना चाहिए गाइस, टायर के अंदर घुसना नहीं चाहिए, ठीक है ना, एंड लेट्स मेक इट अ जूम लिटिल बिट ओवर हियर। तो हाँ भाई ये सही है, थोड़ा आप चाहो तो और नीचे कर सकते हो इसको हल्का सा, ये टायर हमारे प्रॉपर तरीके से अंदर नहीं, पर हल्के से थोड़े अंदर घुसे हुए होने चाहिए, सो दैट्स लुक गुड। ये बेटर तरीके से हमारा शेडो बेटर तरीके से जनरेट करेगा। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई द कंट्रोल आर करके लूप कट अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे मल्टीपल, तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल लूप कट्स अप्लाई कर दिए गाइस, यू कैन सी दैट ओवर हियर, तो ये मेरे मल्टीपल लूप कट्स अप्लाई हो गए। अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ सेंटर में मेरे को एक लूप कट अप्लाई करना है, यहाँ पे कंट्रोल करके इधर दे दिया, देन कंट्रोल आर करके वापस इसको कर रहा हूं, और यहाँ पे मेरे को एग्जिट कंट्रोल करके इसको अप्लाई कर देना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्टिंग ऑल ऑफ देम एंड गोइंग टू असाइन अ न्यू मटेरियल ओवर हियर, यहाँ पे थोड़ा ग्रे शेड मटेरियल में रोड का जो हमारा रहता है वो अप्लाई करने जा रहा हूँ, लेट मी मेक इट असाइन, एंड देन व्हाट आई विल डू, यहाँ पे अभी इसको सिलेक्ट करते हैं फेस सिलेक्शन मोड में, और उससे पहले क्या करें, कार को सिलेक्ट करके थोड़ा हाइड कर देते हैं। नाउ अगेन सिलेक्ट दिस एंड चले जाते हैं यहाँ पे कंट्रोल, सॉरी कंट्रोल नहीं, आपको क्या करना है, शिफ्ट करके सिलेक्ट करना है सारे फेसिस को एक एक छोड़ के, जैसे हमारे रोड के बीच में स्ट्रिप्स होती है, बस वही वाला चीज क्रिएट कर रहा हूँ, एंड लेट मी क्रिएट अ न्यू मटेरियल ओवर हियर, और सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू अप्लाई करना है, सीधा मैं असाइन कर देता हूँ, बिकॉज़ आई नीड द व्हाइट शेड ओनली। तो यहाँ पे देख रहे थे आपका रोड वाला पोर्शन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। नाउ अगेन व्हाट
थिंग वी हैव टू डू कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आप कर सकते हो कि एग्जैक्टली मैं यहाँ पे लूप कर्स अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो कंट्रोल आर यहाँ पे कंट्रोल करके इधर लेके जा रहा हूँ, कंट्रोल आर यहाँ पे कंट्रोल करके यहाँ पे लेके आते हैं थोड़ा। सो ये दोनों तरफ मेरे लूप कर्स लग गए। अब क्या करना है मुझे, यहाँ से ब्रिजेस को इंक्लूड मतलब नीचे की तरफ लेके जाना है। सो लेट मी सिलेक्ट दिस टू फेसिस, यहाँ पे मैं फेसिस सिलेक्ट करने जाता हूँ, लेट मी सिलेक्ट दिस, फिर कंट्रोल करके इसको सिलेक्ट, सॉरी कंट्रोल जेड शिफ्ट करके इसको सिलेक्ट करो, 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 यहाँ पे कर लिया मैंने, यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे कर लिया। सेम चीज आपको इस तरफ भी करनी है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट द फेसेस ओवर हियर, तो यहाँ सिलेक्ट कर लिया, यहाँ सिलेक्ट कर लिया, यहाँ सिलेक्ट। आप चाहो तो मल्टीपल यूज कर सकते हो गाइज अपने हिसाब से। मैं नीचे ब्रिज के जो पैर होते हैं वो बनाना चाहता हूँ अभी यहाँ पे। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ई करके एक्सट्रूड करेंगे हम इसको, यहाँ पे ई करके एक्सट्रूड कर दिया है मैंने। एंड नाउ व्हाट यू कैन डू कि भाई आप चाहो तो इसको यहाँ पे कंट्रोल आर बीच में जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, एंड देन व्हाट आई विल डू, मैं उसको एस एंड वाई एक्सिस में स्केल करके ऐसा छोटा कर सकता हूँ, बट अभी के लिए मुझे यही रखना है। सो मैं इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। सो माय ब्रिज इज रेडी, ऑल्ट एंड एच टैप करके बाहर निकलते, ऑल्ट एंड एच करके हमारा कार रेडी हो गया यहाँ पे। नाउ व्हाट आई विल डू कि जो लूप कट यहाँ पे अप्लाई किया, तो यहाँ पे सारे फेसिस को सिलेक्ट करते कंट्रोल करके, देन शिफ्ट यहाँ पे सिलेक्ट करो एंड कंट्रोल करके इसको क्लिक कर दो। अब क्या करेंगे भाई, ई करके एक्सट्रूड कर लेंगे, रोड का साइड का जो पोर्शन रहता है वैसा हमें क्रिएट करना था, तो ये भी हो गया। सो नाउ Our scene is almost ready, guys. हमारा scene proper तरीके से ready हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, world का मैंने जो shade दिया, जो हमारा background का ये shade मैंने यहाँ पे देके रखा हुआ है। Now let's give the light over there. यहाँ पे कुछ हल्का सा अगर आपको light देना है, then you can give it. Otherwise, मैं यहाँ पे render engine में चला जाता हूँ। Now you can see that we have the beautiful output. Nothing else you have to do, no other lights you have to apply. Let me hide the overlay and let me show you कि how our model is getting ready, guys. So now you can see that our car model and the scene is almost ready. ठीक है, हमारा पूरा scene ready हो चुका है, no other lights you have to apply. Almost हमारा scene evening time का proper तरीके से ready हो चुका है. Our car model is ready. The low poly car model we have created with the help of the insert, extrude and loop cut tool only in the blender. So I hope you like this tutorial, guys. आपको बहुत मजा आया होगा और बहुत creative तरीके से हमने ये चीज अच्छे से बनाई है। सो अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा और कितना इन्फॉर्मेटिव रहा आपके लिए। और प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे ट्यूटोरियल अभी रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, एटलीस्ट वीकली ब्लेंडर के 2 या 3 ट्यूटोरियल आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे गाइज, गुड बाय।